हमें धीरे तो दोस्तों स्नो शूज लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आप स्नो में ऐसे इतनी ज़्यादा स्नो में रहते हैं तो आ रहा है मज़ा। ये राइड बहुत मज़ेदार है, मुझे लगा ब्रेक भी होता है इसमें। मैं झारखंड से झारखंड से। अच्छा 22 दिसंबर के बाद बार भेजने वाली ना। एक बार मैं कहूँगा सनग्लासेस ले लेना ब्लैक कलर के, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइट है कि आंखें खुल नहीं रही, और ज़्यादा देर शायद ऐसे ही हम रहे तो आंखों में दर्द और हो जाएगा। तो दोस्तों अब अलविदा कहने का समय आ गया है अपने हाउस बोट को, और देखते हैं बाहर के नज़ारे यार। आ गया आ गया, ये देखो यहाँ बाहर मैंने शूज़ उतारे थे अपने, और कुछ ऐसा नज़ारा है सुबह सुबह का, नमाज पढ़ी जा रही है सुबह सुबह, और देखो और सुबह सुबह कोई शॉपिंग करने या सामान लेने निकले हुए होंगे। गुलमर्ग की तरफ जा रहा हूँ, और आज आपको वहाँ पे गंडोला राइड वगैरह देखने को मिलेगी, और देखते हैं सही टाइम पे पहुँच जाऊँगा तो करने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है इसके ऊपर वाइट वाइट जमा हुआ है ना, और आपको दिखाता हूँ ये देखो ये भी वाइट वाइट जमा हुआ, तो ये जो ओस है ना जब पानी गिरता है सुबह सुबह वो सब जम चुका है, तो जल्दी ये लेक भी जम जाने वाली है, बिल्कुल फ्रोजन लेक हो जाएगी। और इधर तो पीछे की तरफ ज़्यादा गंदा है, बट मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ स्नो, आप देखो। और इस तरफ ये फिसल भी रही थी ना, तो मुझे पता चला कि भाई साहब ये स्नो है, ये बिल्कुल स्लिपरी हो रही है एकदम, और बहुत ज़्यादा ठंडा है, हाथ तो कटे जा रहे हैं यार। तो अभी सुबह सुबह सारी मार्केट बंद है, और देखो ये कार के पीछे सारा ये जो ओस गिरता है ना, पानी गिरता है सुबह सुबह, सब जम चुका है, ये देखो। ये देखो यहाँ परत निकल गई, इतना स्नो जम चुका है इसके ऊपर। तो दोस्तों अभी मैं हूँ डल लेक वाले एरिया में ही, मतलब बाहर निकल चुका हूँ, बस अड्डे जा रहा हूँ, क्योंकि बस पकड़ूँगा तो सस्ती पड़ेगी, बाकी 3,000-4,000 रुपये ले लेते हैं, जो यहाँ से गुलमर्ग छोड़ने के लिए आपको जो टैक्सीज वगैरह होती हैं वो इतना पैसा ले लेती हैं। वो काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इतने मोटे मोटे दस्ताने लगाए हैं, और अंदर तो कम से कम 7-8 लेयर पहन रखे मैंने, और उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है। ये देखो हाँ, अभी तो मुझे लग रहा है कि -10 degrees हो सकता है आज, क्योंकि -5 minutes तो काम करता है, नहीं काम कर रहा, बहुत बुरी हाल है। तो आप समझ में आ रहा है कश्मीरी लोग ऐसा बोलते क्यों हैं, अपनी जवान भी कश्मीरी ऐसी हो रही है। हाँ तो भाई गुलमर्ग में तो बर्फ देखने को मिलने वाली है, चलते हैं अभी गुलमर्ग के हाल पता करते हैं। अब मुझे वहाँ लग रहा है कि ज़्यादा कपड़े और रेंट पे भी लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि और कपड़े मैं लेके नहीं आया हूँ, सब पहन चुका हूँ जो लेके आया था मैं, एक ही बैग लेके आया ना अपना जो मैंने टांग रखा बस। तो ये है श्रीनगर की मार्केट लाल चौक, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको, और खुली हुई थी उस टाइम, और इस टाइम तो अभी बंद है, बिल्कुल ही सन्नाटा है, सुबह का टाइम है। तो अभी यहीं से आगे से लाल चौक से ही बस मिलेगी टनमर्ग के लिए। तो वही अभी मैं बता दूँ आपको, गुलमर्ग जाने का सबसे सस्ता रास्ता यहाँ पे, आप लाल चौक से बस लेंगे टनमर्ग के लिए, टनमर्ग से फिर बस मिल जाएगी दूसरी बस, वो गुलमर्ग चली जाती है। तो इस तरीके से आप सस्ता टूर कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी आप देख रहे होंगे भैया हर जगह यहाँ ऐसी सुरक्षा लगी हुई है, लगता है जैसे बॉर्डर पर ही खड़े हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा आर्मी है, और हर जगह आपको देखने को मिलने वाली है। तो अभी लाल चौक से बस लेने वाला हूँ तनमर्ग, और तनमर्ग से फिर गुलमर्ग, ये बस का रूट है। और लाल चौक तक आने के लिए आप डल लेक से ऑटो वगैरह ले सकते हैं, टेम्पो ले सकते हैं, या फिर बस से, बस स्टैंड से बस भी ले सकते हैं। बाकी आप ऑटो टैक्सी लेंगे तो वो आपको 250-250 रुपये तक ले सकते हैं, और वैसे लास्ट टाइम मैं 100 रुपये में आया था, तो अलग अलग बार्गेनिंग के ऊपर भी है, और डिपेंड करता है कि उनकी कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब पे आपको छोड़ देंगे। तो अगर क्राउड ज़्यादा है, आप एकदम पीक टाइम पे आ रहे हो, तो हर चीज़ भाई महंगी होगी। तो फिलहाल अभी ये है अपना लाल चौक मार्केट, है तो अच्छी जगह, दिन में लगभग सब कुछ मिल जाता है आपको यहाँ पर लाल चौक में। इसको क्या बोलते हैं अंकल? कश्मीरी रोटी है। इसको किसके साथ खाते होंगे, किसके साथ खाते हैं इसको? चाय के साथ, ऑमलेट के साथ। अच्छा ऑमलेट के साथ खा लेते हैं, अभी सब घर में लेके जाते हैं तो चाय के साथ खाते हैं ना। तो ये है कश्मीरी केक, और ये बिस्किट, कश्मीरी बिस्किट, ये सब बेक करके बनाते हैं सारा आइटम, बेक ना वो अंदर डाल के भट्टी में बनाते हैं। और अभी चाय तैयार हो रही है, सुबह की पहली चाय पीने जा रहा हूँ। ये भैया जी यहाँ बस स्टैंड पर मिल जाते हैं, देखो गर्म पानी रखते हैं इसके अंदर, गर्म पानी होगा ना,
इसमें गर्म पानी होगा, गर्म पानी बिल्कुल ब्रिटानिया का केक लग रहा है, जैसे ब्रिटानिया का केक होता है, ब्रिटानिया केक जैसा लग रहा है। ये आपने घर में बनाया? बेकरी, यहाँ बेकरी वाला बनाता है ना। तो भाई अभी वटमानू ये बस स्टैंड है, और ये लाल चौक से कोई 2-2.5 किलोमीटर आगे है, और यहाँ से हमें टैक्सी मिल जाती है इजीली और बस भी मिल जाती है। तो अगर यहाँ से आपको जाना हो गुलमर्ग तो डायरेक्ट मिल जाएगी, 250 रुपये ले लेते हैं। वैसे सीजन होगा तो शायद थोड़ा ज़्यादा ले लें, मगर अभी फिलहाल आउट सीजन है तो 250 रुपये में हमें मिली है ये टैक्सी, और यहाँ से डायरेक्ट गुलमर्ग के लिए जाने वाले हैं। ये जो बड़े वाले लंबे वाले हैं वो अखरोट के पेड़ है ना? वो अखरोट के नहीं है, सफेद है, वो लकड़ी का है। अच्छा, ये छोटे 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 ये मैंने ये वाले। अच्छा, ये वाले अखरोट के पेड़ हैं, बढ़िया बढ़िया। तो अभी यहाँ से कितनी, तो अभी पहाड़ी दिख रही थी गायब हो गई। अच्छा, मुझे दिखी दिखी दिखी, पहुँचने वाले हैं। अभी कितने किलोमीटर रह गया हमारा? हाँ, 14-15 किलोमीटर है अभी, काफ़ी दूर से दिख रहा है। भैया कितनी भाषाएं आपको आती हैं? इसको आप कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश भी, गुजराती, गुजराती नहीं आता है। नहीं, वो नहीं, जैसे बाहर की लैंग्वेज आती है आपको ज्यादा? बाहर की लैंग्वेज बंगाली नहीं आता है? नहीं नहीं, इंडिया से बाहर की। इंग्लिश आता है? नहीं, इंग्लिश ही आता है। और कोई लैंग्वेज नहीं आती? जहाँ मैं कल रुका था डल लेक पे, वहाँ पे भैया थे, वो कह रहे थे उनको करीब करीब 10 लैंग्वेज से ज्यादा आती जो बाहर की। नहीं, वो तो घूमा होगा ना बाहर। नहीं, कहीं नहीं गया, वो बोलते हैं कि यहीं पे जितने टूरिस्ट आते हैं उनसे हमें, हमारे एक वो आते हैं, वो अन्ना वाले आते हैं, वो टूरिस्ट। हाँ हाँ, वो इंडियन है वो, मगर उनकी भाषा समझ नहीं आती है। एक आते हैं फॉरनर से, साउथ इंडियन है। हाँ, साउथ इंडियन, उनकी वो भाषा नहीं समझ। हाँ, साउथ इंडियन बहुत आते हैं। हाँ, उनकी भाषा समझ नहीं आती, पिंगली विंगली ऐसे। ये है एप्पल ट्री, कौन से आपको बोल रहा था? एप्पल ट्री, राइट 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 को, राइट को, अच्छा ये वाला, ओ दिख रहा है, देख एप्पल है, एप्पल लगे हुए पीछे उधर, ये इधर से राइट को, ये एप्पल लग रहे थे। हाँ, एप्पल लग रहे हैं, लग रहे, देखो गोल्डन एप्पल भी है। हाँ हाँ, पेड़ में एप्पल है, ये देखो ये एप्पल लग रहे। तो भाई अभी मैं हूँ तनमर्ग में, और यहीं से हमने शूज़ वगैरह और ड्रेस वगैरह ले लिया, क्योंकि आगे शायद महंगा मिले। तो भाई अभी गाड़ी रेडी है, निकलते हैं गुलमर्ग की तरफ, और यहाँ पे देख रहे हो शूज़ वगैरह हमने ले लिए हैं, लगभग 250 रुपये में देते हैं, और लाइट वेट और हैवी वेट करके तुम्हें कुछ भी रेट बताएंगे। बाकी 100-100 रुपये में अगर आप रेट लगाओगे तो मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी के साथ आ रहे हैं तो कई सारे लोग रहोगे, 100 रुपये में आपको दे देते हैं, और रिटर्निंग आते टाइम इन्हें वापस कर देना यहीं पे शूज़, और ड्रेस वगैरह भी, ड्रेस वगैरह 300-400 रुपये बोलेंगे, बाकी 250-300 रुपये में आप रेट लगाओगे तो मिल जाएगा आपको पूरा। तो चलिए चलता हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है तो दस्ताने लगा लेता हूँ जल्दी। तो भाई रास्ते में उतर के हमने सोचा कि एक जगह काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, तो थोड़ी बहुत वीडियोस बना लूँ आपके लिए। देखो कैसी जगह लग रही है, और यहीं कहीं आसपास हम जाने वाले हैं, बहुत खूबसूरत है भाई। तो यहाँ पे लोग फोटोग्राफी वगैरह करवा रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो भाई गुलमर्ग पहुंचने के बाद यहाँ कुछ दुकानें आपको दिख जाएंगी जहाँ खाना पीना खा सकते हैं, तो स्टॉल हैं, और यहाँ पे आपको सरकारी रहने के लिए सुविधाएं मिल जाती है, मगर वो काफ़ी महंगी है। गुलमर्ग में भैया बता रहे थे करीब 5,000 के आसपास आपको स्टे मिल जाता है, 1 नाइट स्टे, लगभग 2 से 3 लोग वहाँ रह सकते हैं। और यहाँ स्लेज लेके, मतलब स्लेज होता है लकड़ी की, अभी हम मंगा रहे हैं अपने लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पे आप गुलमर्ग में जहाँ गंडोला राइड करने के लिए भी जाने वाला हूँ मैं, तो उसे ऑनलाइन बुकिंग ले लेना, क्योंकि अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं ले रहे हो तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है, और सीजन में तो बहुत दिक्कत होती है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो अभी के लिए हम जा रहे हैं, मैंने ऑनलाइन बुकिंग पहले ले ली थी, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कहाँ से आपको बुक करना है गुलमर्ग में गंडोला राइड के लिए। और ये आपको पता नहीं होगा कि ये दुनिया में 2nd नंबर की सबसे लार्जेस्ट हाइट वाली और सबसे बेस्ट यहाँ की गंडोला राइड होती है अपने इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है। सोच सकते हो कितनी ज़बरदस्त होती है, और फेज़ 1, 2, 3 ऐसे करके चलता है, सबके रेट अलग होते हैं। 740 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट फेज का 740 का, सेकंड फेज एंड फिर वो चला जाएगा 940 का, ऐसे कुछ है। 2-वे है, जाने आने का दोनों का उसी में इंक्लूडेड होता है। तो ये कुछ प्राइजेस थे, मैंने आपको बता दिया, बाकी बार्गेनिंग आपकी जो लोकल स्लेज वगैरह होती है उसमें होती है खूब दबा के, तो आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर सकते हैं। एक एवरेज प्राइस आप जानना चाहते हैं तो मेरे से पूछ लेना, मैंने क्या पे किया वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये जो लकड़ी का देख रहे हैं ये है स्लेज, यही है ना? यही है, और ये भी स्नो टाइम पे यही चल पाती है, हाँ, बर्फ के ऊपर, बाकी घोड़ा चलता है यहाँ पे। तो ये छोटी सी मार्केट भी यहाँ पे,
गर्म कपड़े ले सकते हैं, बाकी रेंट पर पूरे कपड़े मिल जाते हैं आप। ये देखो स्लेज, यही चलती है स्नो में। और ये भैया हैं जो हमें ले जा रहे हैं करवाने के लिए, और अगर चाहिए तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। गुलमर्ग के बारे में भी आते हुए आप बुकिंग ले सकते हैं, चाहे पूछ भी सकते हैं। क्या नाम भैया आपका? फिरदौस। फिरदौस नाम है भैया का। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। ये ले चलने वाले हमें। और देखो स्नो काफ़ी अच्छी है इस समय भी। अभी शायद 12 तारीख को फिर से स्नो गिरी, मतलब 22 तारीख को फिर से यहाँ स्नो फॉल के चांसेस हैं। देखो सड़क रहे हैं ये, और स्नो में सड़कने के चांसेस बहुत होते हैं भाई, तो बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। तो भाई ये स्लेज पे बैठ रहे हैं अभी, इनमें से एक पे मैं बैठने वाला हूँ। कौन से बैठ जाऊँ बता दो, ये ग्रीन वाले बैठ रहा हूँ इस पे। बैठो बैठो बैठो, ये बैठ गया मैं अपने पीछे। कैसे यहाँ रख दूँ? अच्छा ये रस्सी हमारे लिए। चलो भाई चलो चलो, बैठ गया ये, देखो सब बैठ गए। अच्छा ये भी आगे, आप भी आगे बैठोगे क्या? अब एक काम करो भैया, ये 35 आप जमा करो। कौन सा? सबके? हाँ सबके। चलो तो ले लेता हूँ। चले चले भैया, चलो चलो जाओ जाओ जाओ, एक्सीडेंट मत करना बस। आगे हो, मैं आगे हो जाऊँ, आप भी बैठोगे? बैठ जाओ। चलो गाइस, हाँ आराम से उड़ाते हुए ले चलो, उड़ाते हुए उड़ाते, मैं गिरूंगा तो नहीं ना। हाँ बस आप साथ रहो, उड़ाते हुए चलेंगे। वो एक्सीडेंट एक्सीडेंट, हाँ मजे से आ रहा है मज़ा। ये राइड बहुत मज़ेदार है स्लेज वाली। ब्रेक 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 ब्रेक, ब्रेक लग गई, ब्रेक लग गई, ब्रेक लग गई भाई, ब्रेक लग गई। तो भाई इनके पास ब्रेक भी होता है इसके अंदर स्लेज में, और ब्रेक लगाते हैं मस्त। बिना ब्रेक की है तो अभी ब्रेक रुकी कैसे ये? अच्छा आपने पाँव दिया, मुझे लगा ब्रेक भी होता है इसमें। ये अच्छा है, देखो फुल स्नो, मस्त मस्ती। तो इधर देखो नज़ारे, ये देखो भैया लोग जा रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर की राइड होगी ना भैया ये। ओ मगर मस्त भाग रही है तो। ये देखो ये भाई साथ में ही है, राजस्थान से ना, बढ़िया। हेलो ओ लता, ओ फारुका, देखो ये नीचे पानी है, जमी हुई है। कश्मीरी कश्मीरी कावा कहते हैं, बनता किससे है भाई? अच्छा मसालों से बनता है ये, तो अभी पी रहा हूँ चलते चलते गाड़ी से कश्मीरी कावा। अपनी गाड़ी चल रही है, मैं बैठा हुआ। खत्म? अच्छा मजा आया भाई, मजा आया। तो भाई जैसे जैसे हम इधर गुलमर्ग में गंडोला राइड की तरफ बढ़ रहे हैं ना, देखो पेड़ों पे भी बर्फ जमी हुई है। कैसे हो भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया। फिट हो आप? हाँ। कौन सी कंट्री से हो आप? मैं झारखंड से। झारखंड से? आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। नहीं भैया, तो ये देखो कावा मिल रही है भैया, कावा बेच रहे हैं। बस अब यहाँ पे शायद लाइन लगानी पड़े, और ये काउंटर है जहाँ से शायद टिकट मिलती थी, बट अभी ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। गंडोला राइड के लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं हम, 7 लोग अभी यहाँ पे एक गाड़ी में आए थे, तो सबकी साथ में एंट्री कर रहे हैं। ये रहे भैया, और कुछ अपने बंगाल से, ढाका से हैं, बांग्लादेश से मतलब, वहाँ से भी हैं।
वही ये बिल्डिंग है जहाँ गंडोला राइड हो रही है। अभी चलते हैं अंदर गंडोला राइड पकड़ने के लिए, मतलब केबल कार होती है एक तरीके से। अभी फर्स्ट फेज के लिए हमने बुक किया है, 740 रुपीज़ का मैंने बता दिया था, तो चल के देखते हैं अंदर और बहुत इंजॉय करने वाले हैं, चोटी पे जाएंगे ये। तो यहाँ देख लो 13,800 फीट की हाइट पे ये चलती है ना, काफ़ी हाइट पे है ये, अपनी एंट्री है। तो ये देखो यहाँ पे लाइन भी लगी हुई है, तो अभी बहुत कम है, ये आउट सीजन है, अभी कुछ ही दिनों में सीजन स्टार्ट हो जाएगा भाई। 22 तारीख के बाद से जब स्नो पड़ेगी तो बहुत लंबी लंबी लाइन होने वाली है। देखो वेटिंग एरियाज बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, समझ सकते हो कितनी लाइन लगती होगी। तो अभी ये गंडोला है और इसमें लगभग 6 लोग एक बार में बैठते हैं, बच्चा है तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, 7 लोग 8 लोग, बाकी 6 लोगों की सीट होती है इसमें। और काफ़ी फास्ट है यार, मुझे लगा था बहुत स्लो होगी, अभी आगे चल के दिखाता हूँ आपको कितना फास्ट है। तो भाई बैठ गए गंडोला राइड में और 7 लोग हैं अभी मेरे साथ, ये देखो, और बहुत अच्छी स्पीड में चल रही है अपनी गाड़ी गंडोला राइड। ये देखो अब आगे दोस्त ने, देखो पीछे जा रही है गाड़ी, केवल कार लगभग 400 मीटर की हाइट पे हम सीधा जाने वाले हैं, लगभग 2.5 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। देखो और केवल कार, तो अभी व्यू देखो और इस तरफ देखो, ये गंडोला आ रही है उस तरफ से, अपोजिट साइड से, मस्त व्यू आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, उस तरफ से खाली जा रहा है। इधर देखो पेड़ों पे स्नो दिख रही है थोड़ी बहुत, नीचे तो बहुत ज़्यादा स्नो है। तो भाई अपनी फ्लाइट पे हम उड़े चले जा रहे हैं, सस्ती वाली फ्लाइट पे। फाइनली पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी उतरते हैं, उतरो 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 उतरो, राइड हो गई कंप्लीट अपनी गंडोला की। ओ भाई जन्नत, अब सही जन्नत में है असली वाले, बहुत खूबसूरत है यार, ये देखो ये क्या बने हुए हैं, इग्लू टाइप, बहुत खूबसूरत वादियां भाई साहब, मजा आ गया। तो भाई ये गंडोला जो ऊपर जा रही है और ऊपर वो टॉप पे लेके जाएंगी, ये फेज वन के लिए लोग जा रहे हैं, बाकी हमने फेज टू के लिए लिया था तो हम यहीं तक हैं। और ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, चेंज इसमें और उसमें डिफरेंस इतना ही है कि जब स्नो यहाँ पे नहीं होती तो कभी कभी चोटी पे आपको और ऊपर जाके मिल जाती है और हाइट पे, बाकी सब कुछ सेम है इस समय, यहाँ और वहाँ में इतना ही अंतर इस समय देखने को मिलेगा कि भाई क्राउड वहाँ थोड़ा सा कम होगा, यहाँ थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा होगा, तो बाकी इतना इतनी बड़ी जगह है कहाँ कितना क्राउड है, क्राउड तो इतने में ही है, बाकी फुल इन्जॉय करो। देखो मस्त स्नो है और जल्दी फिर से ताज़ी ताज़ी और स्नो फॉल हो जाएगी तो और मज़ा आने वाला है। फिलहाल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, देख लो इधर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं और काफ़ी महंगी भी हैं, ऐसे 2,000 रुपये 3,000 रुपये किसी से भी कुछ भी लेते हैं, तो भाई आ जाना अगर एक्टिविटीज़ करनी है तो बार्गेनिंग ज़रूर करना। ऊपर और भी कई सारी एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही हैं, ये देखो अभी चलने वाले हैं वहाँ पर भी चलेंगे, चल के देखते हैं। तो भाई सामने खाने पीने की कुछ दुकानें भी हैं और ये देखो ये भैया स्केटिंग कर रहे हैं, ओ है तो बढ़िया। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो भाई एक बार मैं कहूँगा सनग्लासेस ले लेना ब्लैक कलर के, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइट है कि आंखें खुल नहीं रही और ज़्यादा देर शायद ऐसे ही हम रहे तो आंखों में दर्द और हो जाएगा। बाकी बहुत ब्यूटीफुल है यार, आप खुद देखो कश्मीर, और अगर आप कश्मीर में आए और गुलमर्ग में आए और आपने गंडोला राइड से यहाँ ऊपर हाइट पे आके इंजॉय नहीं किया तो फिर क्या किया भाई, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, देखो आनंदमयी, बहुत सारे लोग यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और इसकी शॉर्ट्स वगैरह जो थोड़ी बहुत बनाऊंगा वो आपको देखने को मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना और कुछ फ़ोटोज़ भी अपलोड करूंगा वहाँ पे। और दोस्तों आप लोगों के लिए इतना ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, इतनी दूर दूर जा रहा हूँ, और अगर बस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और उसके बाद छोटा सा कमेंट ड्रॉप कर देना आपको कैसी लगी ये वीडियो, बाकी और भी मज़ेदार वीडियोज़ ऐसी लाता रहूँगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसकी आने वाली है फुल इन्फॉर्मेशन में, तो चैनल पे जाके देख लेना, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पड़ी हुई कैसे कश्मीर घूमने आएँ और क्या कुछ बजट पड़ेगा, हर चीज़ का प्राइस मैंने बता रखा है और ईजी ट्रैवल करना बता रखा है, सबसे सस्ता कैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं सबसे कम बजट में देख लीजिए, और सारे तरीके बताए हैं मैंने।
ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। आ गए हम कहाँ कहाँ आ गए, स्नो में आ गए। थोड़ा डर भी लगता है भाई स्नो में चलने में। अबे धीरे ये तो दोस्तों यहाँ पे स्नो बाइक राइड हो रही है। ये स्नो बाइक है सारी की सारी, और यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्नो बाइक की राइड देखने को मिल रही। बोल नहीं पा रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये देखो तो दोस्तों गंडोला से ऊपर आने के बाद ये सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ करने को मिलती है। जो ये बाइक राइड है यहाँ की स्नो बाइक राइड, इनके चार्जेस लगभग 2000 के आसपास हैं, और जो स्लेज चलती हैं जो ये ऐसे सरकाने वाली होती है जिनमें कोई इंजन नहीं होता, इनके चार्जेस 1000 रुपये के आसपास यहाँ पे ले रहे हैं। तो दोस्तों नीचे 500 रुपये कुछ स्लेज के हमने दिए थे कि वो लोग बताते नहीं, यहाँ पे किसी को किसी भी रेट पे काट लेते हैं। तो जो जितनी बार्गेनिंग आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और यहाँ ऊपर मैंने आपको दिखा दी ये बाइक चलती है स्नो बाइक, यहाँ पे इनके 2000 रुपये के आसपास हैं। मतलब बार्गेनिंग कर सकते हैं कम ज़्यादा ऊपर नीचे वो जैसा वो आपको रेट बता दें। तो ऐसे ही कुछ यहाँ के प्राइजेस चलते हैं। बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी हैं, जैसे स्केटिंग है, स्केटिंग के चार्जेस यहाँ पे 800 रुपये 1000 रुपये ऐसे करके लेते हैं। बाकी 500 रुपये तक भी आप बार्गेनिंग करके ले सकते हैं। ये देखो ये स्लेज है, स्लेज यहाँ पर चलती है, और पीछे भी बाइक आ रही है, वो भी दिखाता हूँ आपको फिर से। तो दोस्तों स्नो शूज़ लेना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब आप स्नो में ऐसे इतनी ज़्यादा स्नो में रहते हैं तो आधे आधे पैर आपके घुस जाते हैं स्नो के अंदर। तो इधर फ्रेश स्नो है तो स्नो शूज़ बहुत ज़रूरी है भाई, देख लो। और ये भुरभुरी स्नो है, देखो ये बिल्कुल भुरभुरी है, ये बहुत फ्रेश है। इस जगह पे देखो यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होगी। और यहाँ से जो ये स्लेज वाले आते हैं ऊपर से बहुत तेज़ी से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऊपर ढाबा और रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, बट खाना काफ़ी कॉस्टली भी है और अच्छा उतना नहीं है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि नीचे से ही खा के आओ आप, और ऊपर बस इंजॉय करो, एक्टिविटीज़ वगैरह जो करनी है करो, और फिर वापस नीचे निकल जाओ, क्योंकि 2-3 घंटे इंजॉय करना यहाँ काफ़ी होता है। तो अब चलते हैं, मैं भी चलने वाला हूँ नीचे। तो भाई गंडोला राइड की टाइमिंग जो है 9 से 5 है फर्स्ट फेज वालों की, और सेकंड फेज वालों की 10 AM to 4 PM है। मतलब इस बीच आप कभी भी आ सकते हैं और कभी भी आप वापस जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है कितना एंजॉय करना है आपको। बाकी अनाउंस करते रहते हैं ताकि जल्दी जल्दी लोग खाली कर दें, अनाउंस करते हैं जल्दी जल्दी आप वापस जाओ। तो अब जा रहे हैं वापसी, देख लो सेम। ये देखो यहाँ ब्लैक आइस है, तो अभी गिर गए भैया और हम भी गिर गए, और अरे यार मेरा मफलर भी गिर गया ब्लैक आइस में। कोई दिक्कत नहीं, हमने उठा लिया, साफ कर दिया। ये ब्लैक आइस बहुत खतरनाक होती है, तो कोई भी गाड़ी फिसल जाएगी। अगर 4x4 नहीं है तब कार भी आना बड़ी मुश्किल है इसमें। देखो देखो ये स्लिप हो रखा है, ये सब 4x4 जा रही है इस पर। तो भाई अभी हम ये दो दोस्त जा रहे हैं, और दो हमारे आगे चल रहे हैं, ये हो गए 4, और 3 हमें मिले हैं कहाँ, बांग्लादेश। 3 अभी बांग्लादेश से मिले, अभी चल के गाड़ी इंतजार कर रहे हैं, अभी चल के मिलवाता हूँ उनसे भी। हाँ ये देखो ये ब्रेक मारेंगे और ये नीचे गिर जाएंगे। भैया ब्रेक मारना एक बार,
अरे लेना क्या, तू खड़ा हो जा। तो भाई यहाँ आते हो गुलमर्ग में तो यहाँ फोटो जरूर खिंचवा लेना, आई लव गुलमर्ग लगा हुआ है। और ये गंडोला राइड से थोड़ा पहले ही है जहाँ से गाड़ियाँ उतार देती हैं और पैदल वॉक करके जाते हैं। अंदर कैफे वगैरह है, बहुत सुंदर जगह है और टोटल ब्लैक आइस जमी हुई है भाई, बहुत खतरनाक है। तो ये है भाई गुलमर्ग, अब जा रहे हैं स्टैंड पे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ से गाड़ी लेंगे। और देखो स्लेज वाले एक लाइन से यहाँ पे हैं, सारे के सारे स्लेज यही हमको लेके आए थे यहाँ पे। और अभी भी अच्छी खासी बर्फ है यहाँ पे गुलमर्ग में, आपको बहुत दस बारह दिन बाद तो बहुत सारी हो जाएगी। कितनी लग हो जाएगी? रोड पूरा बंद अच्छा, मतलब चैन लगा के चलना पड़ता है। अच्छा, अभी तो बिना इसनो चैन की गाड़ी चल रही है। ब्लैक आई से फिर भी बाइक तो गिरी जाती है इसमें। एक्चुअली पिछले साल तो इस वक्त बर्फबारी बहुत हुई थी, अच्छा इस साल अभी कम ही पड़ी है। तो अभी क्या कब तक मतलब प्रेडिक्शन चांसेस हैं कब तक? अभी प्रेडिक्शन है 22 दिसंबर से पहले नहीं गिरेगा। अच्छा, 22 दिसंबर के बाद बर्फ गिरने वाली है ना, ऐसा हमारे यहाँ के मौसम विभाग ने कहा है, जानकारी। नहीं वैसे आम जनता को भी तो पता रहता ही होगा अंदाजा, क्योंकि हर साल आप देख रहे हैं। फिर भी देखो ये तो ऊपर वाले पे है सब, कब डालेगा वो बर्फ। फिर भी जो यहाँ का एमईटी डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि 22 दिसंबर तक खुशी की रहेगा। आप कहाँ से हो भैया? मैं दिल्ली से हूँ भैया। प्रॉपर दिल्ली से? प्रॉपर वैसे उत्तर प्रदेश से हूँ, रहता दिल्ली में। उत्तर प्रदेश कहाँ से? इलाहाबाद, प्रयागराज। हाँ जानता हूँ। तो दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप यहाँ आते हैं गुलमर्ग में तो आपको ये स्लेज पे ले जाने के लिए बोलेंगे, गाड़ी वहीं छोड़ देते हैं कि आप स्लेज से जाना, वहीं से वैसे ही जा सकते हो, नहीं तो पैदल 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से थोड़ा आप मतलब मेन पॉइंट जहाँ पे आपको उतारते हैं वहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर आगे वॉक करके आप चले आना रोड पे ही, और यहाँ से आपको बहुत सारी रेगुलर गाड़ियाँ मिल जाती हैं जिन पे आप 50 रुपये दे के भी वहाँ पहुँच जाओगे गंडोला राइड के लिए। और बाकी वो आपके ऊपर है कि बार्गेनिंग वगैरह कर लेना, हो सकता है सस्ते कम में या ज़्यादा क्राउड हो तो ज़्यादा भी ले लें। स्लेज लेने की सबको ज़रूरत नहीं है, हमें भी नहीं पता था तो मैंने भी स्लेज ले लिया था, रिटर्निंग में जाके हमको पता चल गया कि भाई उसकी ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी से भी जा सकते हैं यहाँ पे, मगर मेन पॉइंट से आपको लगभग 0.5 किलोमीटर वॉक करके आगे आना पड़ता है। तो काफ़ी सस्ती चीज़ें आप पता चल रही हैं, मतलब ट्रैवल करने के बाद ही पता चलता है एक्सपीरियंस, तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो आने से पहले वीडियो पूरी देख लेना, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलता हूँ, अब रास्ते में कहीं खाना वाना खाएंगे और फिर मुझे निकलना है आगे के लिए। तो दोस्तों गुलमर्ग में आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने और शॉपिंग करने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है, तो यहाँ पे आप खा पी सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दुकानें काफ़ी दूर तक लगी हुई हैं, और ये देखो स्नो सड़क पे भी है, ब्लैक आइस कह सकते हैं, तो जो ज़्यादा जम जाती है ना रात में ये, तो सुबह सबसे ज़्यादा स्लिपरी और सबसे ज़्यादा गंदी स्नो यही होती हैं। तो बहुत सारा क्राउड अभी भी आ रहा है जबकि अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, 22 तारीख के बाद से जब स्नो पड़ेगी ना तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आने वाले हैं। 22 को अगर आप आएंगे तो चांसेस हैं आपको स्नो मिल जाएँ, प्रेडिक्शन हो रखी है अभी। तो भाई रास्ते में ऐसे जा रहे थे तो यहाँ सेब के कुछ बागान दिख गए हैं, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो पेड़ कैसे होते हैं, उनमें सेब प्रॉपर लगे हुए हैं। तो ये कुछ सेब छोड़ दिए गए हैं ताकि टूरिस्ट सिर्फ देखे, खाने लायक अब नहीं रहे हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं। बाकी अगस्त सितंबर में ही इसकी तोड़ाई हो जाती है, मतलब सारे सेब तोड़ के शहरों में भेज दिए जाते हैं हमारे घरों में खाने के लिए जो हमें मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ दो तरीके के सेब मिल रहे हैं, इसे गोल्डन एप्पल कहते हैं और नॉर्मल वाला रेड वाला एप्पल अपना नॉर्मल एप्पल है जो हम अपने यहाँ चलता है। तो ये रेट इनके पता है आपको सुन के आश्चर्य होगा, 40 रुपये किलो मिल रहे हैं अभी, तो देखो भर भर के लोग ले रहे हैं, 4 किलो 5 किलो पैक करवाए जा रहे हैं, बहुत सस्ता है। इसके जूस मार्केट में आपको मिल जाते हैं, अगर आप आना तो इसके जूस भी पी सकते हो सेब का, जैसे अपने यहाँ मौसम्मी का डाल के ऐसे घुमा घुमा के जूस निकालते हैं, सेम ऐसे यहाँ सेब का जूस आपको हर जगह मिल जाएगा। तो सेब की भाई यहाँ पे बागान है और सेब यहाँ समझ लो घर की खेती है। दोस्तों अब आ गए हैं ड्राई फ्रूट के शॉप पे, और कुछ ऐसी ड्राई फ्रूट की शॉप होती है यहाँ पे बहुत सारे, देखो सारे बेरीज हैं, रेड बेरी, ब्लैक बेरी, मिनी बेरी, क्रैन, फ्रूट्स, ये है जलवा, कसूर, ये है केसर, जलवा है, केसर नहीं है, जलवा है कश्मीर, ये आपके यहाँ होता है? बिल्कुल कश्मीर की वादियों से है ये। क्या बात है, ग्राम कितने हैं? कैसे है पूरे विश्व में, कैसे ग्राम है? 250 रुपए ग्राम।
₹250 ग्राम। और कैसे पता चलेगा असली है कि नकली, वो मैं बता दूंगा। और ये बेरीज क्या प्राइस होंगे? ये वाली बेरीज ये ₹800 किलो, ये ₹1200 किलो, ये ₹1400, ये ₹1100। अच्छा पर के जी। एक बात है ना, टेस्टी इसका क्या है, जो सैफ्रन होगा कभी मीठा नहीं होगा खाने में। ये कभी मीठा नहीं होगा खाने में अच्छा हल्का सा कड़वा देगा जो जो मैंने रख लिया हुलू नाम में अच्छा जब मैं वाटर में रख लिया वाटर में रुकने की किसने कलर होगा और ये खुद लाल होके कभी लाल रंग नहीं देगा वो कभी दो पहचान अच्छा किसी पहचान ये होगी इसकी कि ये कभी गुलेगा नहीं पानी में वो भी अच्छा है दूध में पानी में किसी में नहीं गुलेगा पानी में नहीं गुलेगा ये अपना कलर देगा सब देगा। तो ये पत्थर का पसीना पसीना होता है, ये बहुत सारे फायदे, कमर दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस और मैन पावर को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है आयुर्वेदिक की अंग्रेजी दवाई नहीं है, खा लिया एकदम से कर लिया, कम से कम एक हफ्ता खाने के बाद ही अपना असर शुरू कर लेता है। तो ये क्या प्राइस होता होगा? ये आपका पड़ेगा ₹25 ग्राम। ₹25 ग्राम, इसमें 10 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम की पैकिंग में मिलेगा। बढ़िया, कितने रुपए? ₹25 ग्राम। ये कितने का? ये और ये कैसे कैसे पैकिंग में? ये 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। अच्छा 1 ग्राम भी मिल जाता है। अच्छा और आपका कॉन्टेक्ट डिटेल कोई मिलेगा? और बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ देखने के लिए है। ये क्या है भैया? अच्छा विनेगर, एप्पल विनेगर, ये है भैया का कॉन्टेक्ट डिटेल, किसी को मंगवाना है ऑनलाइन भी कॉल करके मंगवा सकता है। ₹1000 किलो। ये क्या नंबर बने होते हैं? हाँ? घाट नंबर क्या होता है, क्या कहते हैं? गेट नंबर, गेट नंबर, ये गेट होते हैं, गेट नंबर है। 1 से 10 तक है? नहीं, 16-17। अच्छा 16-17 तक है। तो भाई ये है जम्मू एंड कश्मीर की DRC कहते हैं, ये अपने डल लेक के पास में जो सबसे नज़दीकी बस स्टैंड है, जहाँ से आपको जम्मू के लिए सीधा बस मिल जाती है। तो गवर्नमेंट बसेज हैं, शाम को 5-6 बजे के आसपास ही चलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं, रात को ये बसेस नहीं चलती हैं। तो भाई रात में अगर लेट हो जाते हैं तो आपको ये प्राइवेट गाड़ियां मिलेंगी जो कि 1000 से 1200 रुपये लेती हैं। तो भाई बार्गेनिंग कर लेना, वैसे 1500 रुपये हो सकता है डिमांड करें, तो 1000-1200 रुपये में आपको जम्मू का छोड़ देंगे। तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, बाकी आपको स्लीपर बसेस दिन में मिल जाएंगी सुबह के टाइम पर, वो 500 रुपये में आपको पहुँचा देंगी जम्मू। तो अगर दिन में निकलना है तो वही स्लीपर बसेस मिल जाएंगी, वो देख लेना आप अपने हिसाब से।